आज मुझे देख के आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये रेलवे ट्रैक पे क्यों चल रहा है, क्योंकि मैं इस टाइम रेलवे ट्रैक पे हूँ। देखो नीचे देखो और पीछे की तरफ देखो, पता चल जाएगा आपको मैं रेलवे ट्रैक पे चल रहा हूँ। तो मेरे पास ना कुछ लोगों के, मैंने वीडियो डाला था अपना घर का, तो मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे कि आप जरा जो आसपास वाला एरिया है ना वो दिखाओ। मैं कहा ठीक है जी, दिखा देते हैं आपको आसपास का एरिया। तो अभी मैं रेलवे ट्रैक पे ही चल रहा हूँ और थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा हूँ, ज़्यादा आगे नहीं, बस यार बस इधर तक ही। तो सामने खड़ी एक ट्रेन, ये मेरे हिसाब से वो वाली ट्रेन है, 5:20 पे चलती है ये। और इसी वाले ट्रेन से, जो ये वाली ट्रेन ना, इस वाली ट्रेन से ही मैं गया था हरियाणा। ये 5:20 पे चलती है, फिक्स टाइम है इसका, रोज़ चलती है ये। और ये है कॉलोनी अपनी, जा रहते हैं। और वो है सामने घर, जो ये वाला घर है ना, इसके साथ वाला जो ये वाला घर है, ये है घर। सामने पहाड़ कितने खतरनाक लग रहे हैं देखने में यार। चलो उधर की तरफ चलते हैं, सामने की तरफ देख के आते हैं उधर क्या माहौल है। लोग तो अपने काम पे जा रहे हैं, जो भी आए हुए हैं घूमने के लिए, जैसे भी जो भी इनका काम है दिन का, और मैं ट्रैक पे ऐसे कैमरा लेके घूम रहा हूँ। तो लोग मुझे देख रहे थे, ये बंदा कर क्या रहा है ट्रैक पे कैमरा लेके क्यों घूम रहा है। आधे लोग तो समझ जाते हैं कि मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, बट किसी को आइडिया नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर वो देखते रहते हैं अजीब से तरीके से, उनको समझ में नहीं आता। ये क्या कर रहे हैं सामने, चेंज कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। इस तरीके से लोग करते रहते हैं यहाँ पे क्रॉस। अब जगह यही है तो यहीं से क्रॉस करेंगे। तो सामने जो ये ट्रेन खड़ी है ना, ये चलती है जी ऋषिकेश से कटरा, जो क्या कहते हैं वैष्णो देवी तक जाती है ट्रेन। ये मैंने पहली बार देखा है। सामने जो टायर्स हैं इसके, व्हील्स हैं बेसिकली, जो व्हील्स हैं ना, व्हील्स के पास देखो लकड़ के ये लगा रखे हैं उन्होंने, स्टॉपर्स हैं बेसिकली, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, पता नहीं दिख रहे या नहीं दिख रहे, पहली बार देखे हैं मैंने यार जी। इंजन में लगा रखे हैं ये, बताओ, इधर भी लगा रखे हैं। इतने भारी भरकम इंजन को रोकने के लिए, जिसका वेट अपने आप में टनों में है, उसको रोकने के लिए ये सिर्फ चार इन्होंने लगा रखे हैं, चार इस तरफ और चार उस तरफ, आठ बस, वो भी लकड़ी के स्टॉपर्स होते हैं जो। वाह यार, रुक जाता है, ऐसे रुक ही जाता हुआ। तो अभी मैं आ गया हूँ, देखो पीछे क्या है। ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन। वैसे मैं ऐसे घूमा नहीं हूँ कभी, पहली बार ही घूम रहा हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म पे। देखो ऋषिकेश का यह है रेलवे स्टेशन ये। चलो ये भी दिखाया आपको मैंने आज इस तरीके से, कुछ अलग से तरीके से। अब सामने बैठते हैं पुलिस वाले, उनका वो है सामने, जो पुलिस वालों का जो रूम सा होता है ना, वो ये है, यहाँ बैठते हैं। अब वैसे ना मैंने यहाँ पे, वैसे मैं कई बार निकला हूँ यहाँ से, अब की बात नहीं कर रहा, पहले जो सालों पहले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से निकलना ईजी है, शॉर्टकट लोग यहीं से लेते हैं। तो जैसे दूसरे रेलवे स्टेशन होते हैं ना, आपको वो लेना पड़ता है प्लेटफॉर्म टिकट, प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट लिए बगैर उस पर आए प्लेटफॉर्म पर, तो आपको फ़ाइन लग जाता है, ऐसा कुछ होता है। और जो ये वाला स्टेशन है ऋषिकेश का, इसमें कोई ऐसा पंगा नहीं है। यहाँ पे कोई भी जो शहर में रहते हैं, इधर रहते हैं या उधर रहते हैं, वो कोई भी इजीली यहाँ पे स्टेशन पे आ जा सकते हैं, किसी का कोई फ़ाइन नहीं है। कोई रेलवे उसकी क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म की टिकट की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। वाह, क्योंकि भीड़ नहीं है ना यार, मुश्किल से 3-4 ट्रेनें चलती हैं और भीड़ भी नहीं है। मैं आपको चल के दिखाता हूँ, बस पुलिस वाले अगर कुछ ऑब्जेक्शन ना करें तो ट्राई करता हूँ। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया निकलती है यहाँ से, फिर भी एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा आगे तक चलता हूँ। और ये सामने जो ट्रेन खड़ी है वाली, ये देखते हैं कौन सी है, ये भी चलने वाली होगी कुछ देर में। और जो ये वाली खड़ी है ट्रेन पीछे,
ये इस पर लिखा है हरिद्वार, ऋषिकेश और चंदौसी। अब ये चंदौसी कहाँ पे आता है पता नहीं मेरे को। तो प्लेटफॉर्म से निकल के आ गया मैं बाहर की तरफ। ये है इसकी एंट्रेंस, मतलब बाहर जो आउटर एक्सटीरियर बिल्डिंग है वो इस टाइप की दिखती है। और बड़ी खुली सी जगह है यहाँ पे। यहाँ तक तो एक बार मैं आया था, मैं यहाँ पे सामने खड़ा था और मैंने दिखाया था, यहीं खड़े खड़े दिखाया था यहाँ का नज़ारा कि कुछ ऐसा दिखता है रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का। यहाँ पे यार व्लॉग बनाने में ना, मतलब इस वाले जो प्रमाइसिस है रेलवे का, यहाँ व्लॉग बनाने में थोड़ा सा ना डर सा लगता है, रिस्क सा लगता है, क्योंकि सामने पुलिस वाले भी खड़े थे, वो भी मेरे को देख रहे थे। और सामने जब मैं अंदर था प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे भी वो खड़े थे जो अथॉरिटीज़ के होते हैं लोग रेलवे की, वो भी मुझे देख रहे थे। तो रिस्क सा लगता है मेरे को, फिर भी मैं बना रहा हूँ। तो ये है जी सड़क जाती है सीधा आपकी मार्केट की तरफ, और ये वाली रोड है। अब तो देखो ये वाली रोड बन गई है, पहले ना रोड ये वाली हुआ करती थी ये। अब तो खैर ये गेट लगा दिया ना, यहाँ पे भी गेट लगा रखा है, और ये पूरा ये देखो ये पूरा लोहे का लगा दिया है, आगे तक लगा हुआ है, ये रेलिंग्स टाइप की है। तो जो इसके साथ रोड है ना, रेलिंग के साथ जो रोड जा रही है, अब ये बनाई है कुछ टाइम से, उससे पहले जो रोड होती थी उस तरफ जाने के लिए वो थी ये वाली जहाँ से गाड़ी आ रही है। तो पहले ये वाली रोड हुआ करती थी, अब इसको बंद करके इन्होंने इसके अंडर ले लिया अपने प्रमाइसिस के। और अब ये हो गया पूरा एरिया खुला, ये देखो यहाँ पे कितनी खुली जगह हो गई है। पहले रोड ही यही हुआ करती थी, मेन रोड जो सारा ट्रैफिक जो इधर से जा रहा है ना, पहले जाता था इधर की तरफ से। पहले मैं आया था इस तरफ से, इसके अंदर से होते हुए। ये इसके एंट्रेंस भी है और लोग भी यहाँ बैठे होते हैं, साथ में ही टिकट काउंटर भी है इस तरफ, इधर की तरफ टिकट काउंटर है। और अब चलते हैं इधर की तरफ से, ये भी दिखाता हूँ आपको एरिया, एकदम खुली खुली जगह है। अब ऋषिकेश है तो साधु संत और सन्यासी तो यहाँ पे हर जगह दिखते हैं। वो सामने पता नहीं यार क्या है, ऑरेंज सा, पहले तो मैंने देखा नहीं, मंदिर लग रहा है कुछ ऐसा ही। पहली बार ही दिखा आज मेरे को ये। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही बना रहा हूँ मैं ये वाला वीडियो, क्योंकि आप लोगों को देखना था आसपास का एरिया कैसा दिखता है, क्योंकि मैंने उस दिन रेलवे स्टेशन ऊपर से दिखाया था ना, घर के ऊपर से खड़े हो गए बालकनी से, तो कह रहे थे थोड़ा इधर उधर भी दिखाओ कैसा दिखता है। मैंने कहा ठीक है एक वीडियो बना दूंगा 10 मिनट का, इसलिए पूरा आसपास का एरिया कवर हो जाएगा। पसीना जा रहा है मेरे मुँह में यार, हैंकी लेके नहीं आया मैं। तो लोग आते हैं उधर की तरफ से, मतलब इधर से नहीं, ये तो मैं ऐसे दिखाने लग गया हूँ, उधर सामने की तरफ से आते हैं। और ये जो जगह है थोड़ी सी, ये गेट सा है, यहाँ से निकल के चले जाते हैं उधर की तरफ। बाकी कुछ लोग सामने की तरफ से भी चले जाते हैं जहाँ से मैं पहले गया था। मैं पूरा घूम के आ गया अंदर से, प्लेटफॉर्म से होके आ गया और बाहर भी अब निकल गया वहाँ से, किसी ने नहीं रोका, किसी ने पूछा था कि नहीं। ऐसे ही है यहाँ पे, कोई नहीं पूछता किसी को, कोई परवाह नहीं है सेफ्टी, क्योंकि जब से वो खुला है ना, क्या कहते हैं बना है, खुला नहीं बना है योग नगरी ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन योग नगरी, तब से इसकी वैल्यू ऐसी ही हुई है यार। जब तक वो नहीं था तब तक तो बहुत भीड़ होती होगी यहाँ पे, मैं आया तो नहीं बट आइडिया मार रहा हूँ कि भीड़ होती होगी, भीड़ तो होती होगी यार, बट जब से वो बना है तब से थोड़ा कम हो गया है इसका। आ गया मैं यहाँ पे, चक्कर लगा गया पूरा घूम के। ये वही वाला पार्क है साथ में जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपने, ये वही है। आ गया हूँ मैं वापस घर पे और छत पे आ गया हूँ। ये पीछे ट्रेन जा रही है मेरे, पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही, ये वही है 5:20 वाली जिसकी बात कर रहा था मैं अभी, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे चल पड़ती है भाई ये ट्रेन। अभी तो मौसम अच्छा हुआ पड़ा था यार, अब आ गई है धूप। बट जो उधर वाला एरिया है ना पीछे वाला, देखो पहाड़ कितने काले लग रहे हैं यहाँ से, क्योंकि उधर वाकई में बहुत काला हुआ पड़ा है, काले काले बादल आए पड़े हैं वहाँ पे पूरे फुल,
और इस टाइम जो उधर वाले पहाड़ है वो तो मेरे को भाई ऐसे देख के मज़ा आ रहा है ना, मन कर रहा है माल देवता जाने का इस टाइम। माल देवता इस टाइम कभी नहीं गया मैं शाम के टाइम, और जब अंधेरा हो जाता होगा तब पता नहीं कैसा मज़ा आता होगा वहाँ पे जाने में। कभी मौका मिला रात के टाइम माल देवता जाने का तो जरूर जाऊँगा। अभी टाइम हो गया शाम के 6:30 और सूरज ऑलमोस्ट अब डूब गया है। पहले बहुत तेज़ धूप थी यार, मैं तब से ना एक्चुअली क्या है कि मैं छत पे घूम रहा था तब से, इतनी देर से मुझे यहाँ छत पे घूमते घूमते कम से कम 1 घंटा हो गया है। मैंने कैमरा रख दिया था ये और वेट करने लग गया था कि थोड़ा सूरज डूबे ना, जब थोड़ी शांत वो हो जाए, थोड़ी क्या कहते हैं गर्मी कम हो जाए, क्योंकि उस टाइम सूरज काफ़ी ज़्यादा था, गर्मी थी थोड़ी। तो मैंने रख दिया कैमरा और मैं घूमने लग गया यहाँ पे, और 1 घंटा घूमने के बाद अब सूरज का स्टेटस ये है, बस जाने वाला है सूरज थोड़ी देर में नीचे, और मेरा व्लॉग एंड करने का अभी टाइम आ गया है एंड करने का। कमेंट वगैरह कर दिया करो यार, वैसे तो आप लोग करते हो कमेंट, बट फिर भी जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उतना अच्छा लगता है। कुछ वीडियोस पे तो बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, जो मैंने अपना एक वीडियो डाला था एस जे कैम वाला, जिसमें मैंने रिव्यू डाला था कैम का, उस पर काफ़ी कमेंट्स आए। ऐसे कुछ कुछ वीडियोज़ पर काफ़ी कमेंट आते हैं, किसी किसी पर वो नॉर्मल आते हैं, तो कर दिया करो कमेंट्स, अच्छा लगता है कमेंट करके, ऐसा लगता है हाँ आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कुछ वीडियोज़ देखने में। आज व्यूवर्स की डिमांड पे ये वाला छोटा सा वीडियो बनाया था, पसंद आया होगा, ठीक ठाक लगा कुछ थोड़ा बहुत तो लाइक कर देना, इसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। चलते हैं हम यहाँ से, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।